प्रदेश राजेशी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है मैं हूं आपकी संस्कृत की अध्यापिका डॉक्टर स्मिता अग्रवाल मैं इस विश्वविद्यालय में शैक्षणिक परामर्शदाता संस्कृत के पद पर हूं आप सभी से आज में परा स्नातक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले संस्कृत के एम ए एस टी एक सौ चार कावे शास्त्र जिसके अंतर्गत हम कावे शास्त्र पढ़ाते हैं और हमारे पाठ्यक्रम में काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ जो आचार्य मम्मट द्वारा रचित है उसको पढ़ाया जाना है और चतुर्थ उल्लास पर्यंत रस सूत्र तक आपको इसको पढ़ना है एम ए एस टी एक सौ तीन में आप अलंकार पढ़ते हैं उसमें काव्य प्रकाश के अंतर्गत नवम दशम अल... उल्लास में जो अलंकार हैं वो आप एम ए एस टी एक सौ तीन में पढ़ रहे हैं इस प्रश्न पत्र में हमें काव्य प्रकाश को चतुर्थ उल्लास पर्यंत ही पढ़ना है जैसा कि सभी जानते हैं कि काव्य शास्त्र एक दुरूह ग्रंथ है लेकिन आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश बहुत ही दुरूह होते हुए भी बहुत ही समन्वय कार्य दृष्टि को लेकर लिखा गया ग्रंथ है चूँकि हमारे विद्यार्थी दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आते हैं उन्होंने शायद बीए स्तर पर स्नातक स्तर पर संस्कृत ना पढ़ा हो तो उनको निश्चय ही काव्य प्रकाश थोड़ा दुरूह और कठिन लगेगा लेकिन जो परंपरागत विश्वविद्यालय से पढ़कर छात्र आते हैं उन्होंने स्नातक स्तर पर भी अवश्य ही शास्त्र पढ़ा होगा साहित्य दर्पण पढ़ा होगा तो वो उनको इस काव्य प्रकाश को समझने में कठिनाई नहीं होगी काव्य प्रकाश को बहुत ही सरल और सुगम भाषा में आप सभी को समझाने का प्रयत्न करूं। काव्य प्रकाश तीन हिस्से में ये ग्रंथ हमारा बटा हुआ है कारिका सूत्र और उसकी वृत्ति इसके पहले लेक्चर में मैंने आप सभी को काव्य प्रकाश की भूमिका के बारे में बताया काव्यशास्त्र का जो काल विभाग है उसके बारे में बताया कि चार प्रकार से हमारे काल विभाग किए गए हैं प्रारंभिक काल जो अज्ञात से लेकर भामह तक है दूसरा काल है रचनात्मक काल जो भामन से लेकर आनंदवर्धन तक अर्थात 600 विक्रमी से लेकर 800 विक्रमी तक माना गया है तीसरा काल है निर्णयात्मक काल जो कि आनंदवर्धन से प्रारंभ होकर आचार्य मम्मट, अर्थात 800 विक्रमी से लेकर 1000 विक्रमी तक है और चौथा काल है व्याख्या काल जो आचार्य मम्मट से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक माना गया है प्रकरांतर से भी हमने काल विभाग हम लोग करते हैं उसको ध्वनि सिद्धांत के आधार पर इसका काल विभाजन किया गया है पूर्व ध्वनि काल ध्वनिकाल और पश्चात ध्वनि काल पूर्व ध्वनिकाल में प्रारंभ से लेकर आनंदवर्धन तक का समय माना गया है ध्वनिकाल आनंदवर्धन से लेकर मब्बट तक अर्थात एक हज़ार विक्रमी तक माना गया है और पश्चात ध्वनिकाल आचार्य मम्मट से लेकर आचार्य पंडित राज जगन्नाथ तक का माना गया है हमने इसके पहले लेक्चर में इसको विस्तार से आप लोगों को समझाया है इसके बाद इसके पूर्व लेक्चर में हमने आपको बताया था प्रमुख आचार्य तथा उनके संप्रदाय तो प्रमुख संप्रदाय हमारे हैं रस संप्रदाय अलंकार संप्रदाय रीति संप्रदाय वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय इसके आचार्यों के विषय में भी इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था आज काव्य प्रकाश के प्र, आ, प्रथम कारिका जो आचार्य मम्मट ने मंगला चरण के रूप में लिखी है आज हम उसके विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे मंगला चरण का अध्ययन करने से पूर्व हमें मम्मट के काल और उनके वंश पर अध्ययन करना आवश्यक है इसी श्रृंखला में अगर हम दंडी और राजशेखर तथा राजा भोज के काल को देखें तो मम्मट का काल भोज के बाद का प्रतीत होता है और काव्य प्रकाश का अध्ययन करने के लिए हमें मम्मट के काल और वंश का अध्ययन करना आवश्यक है अलंकार साहित्य के निर्माताओं की श्रृंखला में दंडी राजशेखर और भोजराज के अतिरिक्त सभी आचार्य कश्मीर निवासी हैं आचार्य मम्म के नाम से ही पता चलता है कि विभिक कश्मीर के ही थे मम्मट के जीवन वृत्त का अधिक परिचय प्राप्त नहीं होता काव्य प्रकाश के टीकाकार भीमसेन ने सुधा सागर नामक अपनी टीका में कुछ पद्यों में मम्मट के विषय में लिखा है उनके अनुसार मम्मट कश्मीर देशीय जयट के पुत्र थे जिन्होंने वाराणसी जाकर विद्या अध्ययन किया एक पद्य में भीमसेन ने पतंजलि प्रणीत महाभाष्य के टीकाकार कैय्यट और यजुर्वेद भाष्यकार उव्वट को मम्मट के छोटे भाई के रूप में स्वीकार किया है भीमसेन द्वारा प्रस्तुत यह विवरण कि कैय्यट और उव्वट या अव्वट मम्मट के अनुष थे ये ठीक नहीं लगता उव्वट ने वाजस्नेह संगीता भाष्य में स्वयं के परिचय में अपने पिता का नाम वज्रट बताया है जबकि मम्म के पिता का नाम जय्यट था उवट द्वारा वेदभाष्य भोजराज के शासनकाल में लिखा गया है जबकि मम्मट का समय भोजराज के बाद का सिद्ध होता है भोजराज का समय नौ सौ छियानवे ईस्वी से लेकर एक हज़ार इक्यावन ईस्वी तक माना जाता है जबकि मम्मट इनके उत्तरवर्ती माने गए हैं भोजराज का समकालीन मान लेने पर भी उवट को मम्मट का अनुज नहीं माना जा सकता कैयट को मम्म का अनुज माना जा सकता है क्योंकि कैयट ने एक स्थान पर कैयटों जयट आत्मजह कहकर स्वयं को जय्यट का पुत्र कहा था उव्वट के पिता का नाम वज्रट होने के कारण भीमसेन का लेख संदिग्ध माना जा सकता है वाराणसी जाकर अध्ययन करने की बात को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि कश्मीर उस समय विद्या का केंद्र था और कश्मीर निवासी वाराणसी जाकर अध्ययन करे यह ठीक नहीं प्रतीत होता 600 सौ वर्षों के लंबे अंतराल के बाद लिखे जाने के कारण भीमसेन का लेख कल्पना पर आधारित प्रतीत होता है इसलिए इन दोनों बातों को देखने से उवट को मम्मट से नहीं जोड़ा जा सकता है इसके बाद हम मम्मट के टीकाकारों का अध्ययन करेंगे कि मम्मट के टीकाकार कौन कौन थे तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे अधिक टीका भगवत गीता पर लिखी गई उसके बाद काव्य प्रकाश पर सबसे अधिक टीकाएँ लिखी गईं काव्य प्रकाश पर पचहत्तर टीकाएँ संस्कृत में लिखी गईं और तीन टीकाएँ हिंदी में लिखी गईं तथा काव्य प्रकाश का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भी किया गया है काव्य प्रकाश से कृता गृह गृह टीका तथा शेय तथेव दुर्गम इतनी टीकाएँ लिखे जाने के बाद भी मम्मट कृत काव्य प्रकाश आज भी एक दुरूह ग्रंथ माना जाता है इसकी एक एक कारिकाओं पर अभी भी समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा अध्ययन की आवश्यकता है और खुद आचार्य मम्मट ने अपनी कारिकाओं पर भी वृत्ति लिखी उसको समझाने के लिए ग्रंथ का लक्षण जानने के लिए हम जानते हैं कि ग्रंथ के अधिकरण होते हैं और पांच अधिकरण होते हैं इसके निर्णय संशय पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष और निर्णय इस आधार पर हम काव्य प्रकाश को एक ग्रंथ मान सकते हैं काव्य प्रकाश के अनेक विषयों में पूर्व पक्ष का निराकरण कर निर्णय दिया गया पूर्व पक्ष के का संशय कर उस पर संशय कर उसे खंडन कर उसका निर्णय दिया गया इसलिए काव्य प्रकाश को एक ग्रंथ माना गया है भारतीय संस्कृति और विशेष तौर से संस्कृत साहित्य के प्रारंभ में सभी कवियों ने सभी आचार्यों ने मनीषियों ने विघ्नों को दूर करने के लिए अपने इष्ट देव का स्मरण करने की परंपरा रखी है इसे ही हम मंगलाचरण कहते हैं मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है आशीर्वादात्मक नमस्कारात्मक तथा वस्तु निर्देशात्मक इष्ट देव के स्मरण की परंपरा से हमारे विघ्नों का विनाश होता है ग्रंथ सफलतापूर्वक ग्रंथ का निर्माण हो ग्रंथ के रचयिता ग्रंथ के निर्माण के लिए विघ्नों को दूर करने के लिए अपने अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं इसे ही मंगलाचरण करते कहते हैं इसी परंपरा को अक्षुण रखते हुए आचार्य मम्मट ने भी अपने ग्रंथ में प्रथम कारिका के रूप में मंगलाचरण का निर्माण किया है इसमें कवि ने कवि भारती को अपने इष्ट के रूप में माना है और यह मंगलाचरण नमस्कारात्मक है इसमें आचार्य मम्मट ने कवि भारती के प्रति अपना नमस्कार अर्पण किया है नियति कृत देकमी अन्य परतंत्रामा नवरस रुचिराम, निर्मितिम माँ भारती कवेर जयती इस मंगलाचरण में आचार्य मम्मट ने प्रकृति के नियंता ब्रह्मा की अपेक्षा कवि को अधिक श्रेष्ठ बताया है उन्होंने कहा है कि नियति कृत नियम रहताम नियति अर्थात ब्रह्मा प्रकृति प्रकृति कृत नियम रहताम ब्रह्मा की नियतों से के द्वारा जो निर्मित नियम है उनसे रहित अर्थात उसमें नियम प्रकृति के नियम लागू नहीं होते लादेक मईम जो सर्वथा आह्लाद को देने वाली है अन्य परतंत्राम अन्य सभी चीजों से स्वतंत्र नव रस छह रसों की अपेक्षा नौ रसों से युक्त रुचिर हमेशा मनोहर सुमधुर निर्मतिम करने वाली आदति कवि भारती जयती कवि भारती की जय हो पद्मत्व आदि जो असाधारण धर्म है अथवा अदृष्ट या धर्म आदि से रहित नियति के द्वारा निर्धारित नियमों से रहित केवल आनंद मात्र जिसका स्वभाव है ह्लादेक मईम जो केवल आनंद को प्रदान करने वाली है कवि की प्रतिभा को छोड़कर बाकी हर जगह वह स्वतंत्र है किसी के अधीन नहीं है छह रसों के बदले नौ रसों से रुचिर मनोहर काव्य की सृष्टि की रचना करने वाले कवि की भारती वाणी सरस्वती की सरस्वती ही शालिनी है अर्थात यहाँ पर उसको नम जयती कह के वो नमस्कार करते हैं कवि के द्वारा निर्मित जो संसार है उसकी विशेषता बताते हुए आचार्य मम्मट कहते हैं कवि द्वारा निर्मित जो संसार है वो ब्रह्मा के संसार की अपेक्षा अधिक सर्वोत्कृष्टशाली है आचार्य मम आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनियालोक में कहा है कि जो कवि प्रजापति ब्रह्मा कवि को प्रजापति ब्रह्मा से अधिक श्रेष्ठ माना है और उनके द्वारा निर्मित जो संसार है उसको अधिक श्रेष्ठ माना है आपारे काव्य संसारे कविरेखा प्रजापति यथा यथास्मयी रोचते विश्वम तथे परिवर्तते अर्थात कवि जो है वो ही स्वयंभू है ब्रह्मा है और वो जिस प्रकार से उसकी इच्छा होती है वो अपने संसार की रचना करता है परंतु आचार्य मम्मट ने उनसे भी बढ़कर कवि की सृष्टि को अधिक श्रेष्ठ कहा है कवि के सामर्थ्य को ब्रह्मा के सामर्थ्य से अधिक माना है उपमान से उपमेय का आधिक्य वर्णन होने के कारण यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है ब्रह्मा की सृष्टि रूप उपमान की अपेक्षा भारती के सृष्टि का अधिक्य प्रतिपादन करने के कारण व्यतिरेक अलंकार यहाँ पर सिद्ध होता है आचार्य मम्मट ने ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा कवि की सृष्टि में चार प्रकार की विशेषताएं बताई हैं नियतिकृत नियम रहिताम ये है कवि की कवि का संसार जो नियति अर्थात ब्रह्मा की सृष्टि के नियमों से नियंत्रित होती है ब्रह्मा का जो संसार है वो ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए नियमों से चलता है उसके द्वारा वह नियंत्रित होता है लेकिन जो कवि की शक्ति है कवि अपनी शक्ति से इन नियमों से अपने संसार को नियंत्रित नहीं होने देता अर्थात यहाँ पर अगर हम देखें कि जो ब्रह्मा की सृष्टि होती है वह है नियति कृत नियम सहितम कवि की सृष्टि है नियति कृत नियम रहिताम अर्थात ब्रह्मा की सृष्टि में नियमों से ही उनके संसार नियंत्रित होते हैं जैसे ब्रह्मा की सृष्टि में अगर कमल है तो उसमें सुगंध होगा पद्मत्व में ही सौरभ होता है लेकिन कवि अपने संसार में किसी नायिका के मुख में सौंदर्य का आधान करते हुए उसमें पद्मत्व का सौरभ आधान करता है कवि के मुखमंडल में कमल का आधान करता है कमल की कोमलता का आधान करता है लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि नियंत्रित है ब्रह्मा की सृष्टि में सौरभ जो है पद्मत्व में ही रहेगा लेकिन कवि की सृष्टि में पद्मत्व का सौरभ नायिका के मुखमंडल में भी रहता है इसी प्रकार ब्रह्मा की सृष्टि में चांद की चांदनी शीतलता प्रदान करने वाली होती है किंतु कवि की सृष्टि में चंद्रमा की चांदनी एक विरही नायिका को अग्नि के समान जलाती है और चांद की चांदनी विरहिणी नायिकाओं को जलाती है नियति का दूसरा रूप है दूसरा अर्थ है अदृष्ट अर्थात धर्म अधर्म प्रत्येक मनुष्य अपने अदृष्ट कर्मों के अनुसार भी फल प्राप्त करता है उसके कर्मों के अनुसार उसकी नियति का निर्माण होता है उसके जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं किंतु कवि जो है अपनी इच्छा से कभी भी किसी भी नायक या नायिका को किसी भी समय सुख में डालता है या तुरंत ही उसके क्षण बरबात्र ही उसे घनघोर दुख में डाल देता है यह सब कुछ कवि की अपनी इच्छा पर नियंत्रित होता है न ना कि नायक या नायिका के पूर्वजन्म के कर्मों के आधार पर इस प्रकार यह कवि की रचना की पहली विशेषता है कृत नियम रहता दूसरी विशेषता आचार्य मम्मट बताते हैं मई। कवि की जो सृष्टि है वो ब्रह्मा की सृष्टि से सदैव उत्कृष्ट है अर्थात ब्रह्मा की सृष्टि में सुख और दुख दोनों होते हैं किंतु कवि के द्वारा निर्मित संसार में सदैव हम सुख का ही अनुभव करते हैं ब्रह्मा की सृष्टि में दुख अवश्यम भावी है परंतु कवि की रचना आनंदानुभूति अनुरूप ही है इंदुमती के वियोग में विलाप करते हुए अज को देखकर हम सभी एक सुख का अनुभव करते हैं वहाँ पे जो करुण रस होता है वह भी सुख का ही आधान करता है जैसे सीता के वियोग में जब रोदती राम वियोग से विह्वल हैं उनके आँखों से निरंतर अश्रु पात हो रहे हैं लेकिन जो नाटक को देखने वाले जो वहाँ सहृदय हैं उनके उनके हृदय में सुख की अनुभूति होती है आनंद की अनुभूति होती है इस प्रकार कवि की जो दूसरी विशेषता है हलादयक मईम अर्थात वो हमेशा आनंद का अनुभव कराती है वहाँ पे जो करुण रस है वह भी आनंद स्वरूप ही है दुख नहीं देता बल्कि लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि में मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों मिलते हैं इस प्रकार आचार्य मम्मट ने अपनी दूसरी विशेषता में भी ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा कवि की सृष्टि को अधिक उत्कृष्ट बताया है तीसरी विशेषता के रूप में आचार्य मम्मट कवि की तीसरी विशेषता बताते हैं अनन्य परतंत्राम अर्थात कवि की सृष्टि जो है कवि द्वारा निर्मित संसार केवल कवि की प्रतिभा पर ही आश्रित है उसके लिए किसी अन्य कारण की आवश्यकता नहीं है परंतु ब्रह्मा की सृष्टि प्रकृति समवायी असमवाय निमित्त अनियमित आदि कारणों के अधीन है इसके बिना उनकी सृष्टि का निर्माण संभव नहीं है लेकिन कवि की प्रतिभा पर ही कवि अपने अनुसार संसार का निर्माण करता है इसलिए आचार्य मम्मट ने तीसरी विवेषता अन्य परतंत्राम के द्वारा भी कवि की सृष्टि को ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ बताया है चौथी विशेषता आचार्य मम्मट बताते हैं नव रस रुचिराम अर्थात कवि की सृष्टि में नवरस हैं जबकि ब्रह्मा द्वारा केवल छः रस कटु कषाय मधुर अम्ल लवण तिक्त केवल ये छः ही रस बताए गए हैं लेकिन कवि की रचना में श्रृंगार वीर आदि नव रस हैं इस प्रकार कवि की रचना भी अधिक श्रेष्ठ है कवि अपनी इच्छा अनुसार अपने रसों का प्रयोग करता है ब्रह्मा के जो छह रस हैं उनमें से कई ऐसे रस हैं जैसे कटु कषाय तिक्त आदि जो किसी सहृदय को आह्लादित नहीं करते अपितु तो दुखित करते हैं लेकिन कवि के सभी नौ रस यहाँ तक कि करुण रस भी मनुष्य को सहृदय को आह्लादित करता है दुखित नहीं करता इसलिए कवि की सृष्टि ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा अधिक रुचिर है अधिक मनोहर है इसलिए आचार्य मम्मट ने कवि को श्रेष्ठ माना है और कवि के द्वारा निर्मित संसार को ब्रह्मा द्वारा निर्मित संसार से अधिक श्रेष्ठ माना है और इसी प्रकार आचार्य मम्मट ने कवि भारती जयती कहकर सर्वोत्कृष्ट शालिनी सिद्ध किया है और इसीलिए मम्मट ने ग्रंथ के प्रारंभ में ही जय जयकार करके कवि की वाणी का जय जयकार किया है अपने मंगलाचरण में और उसे ही अपने ईष्ट माना है जिसके कारण कि इस ग्रंथ का निर्माण निर्विघ्न रूप से पूरा हो सके इस कारिका की वृत्ति स्वरूप आचार्य मम्मट ने कहा है नियति शक्तिया नियत रूपा सुख दुख मोह स्वभावा परमाणु आदि उपादान कर्मादि सहकारिणी परतंत्रा षडरसा न हेवतई तादृशी निर्माणम एतद निर्माण एक तलक्षण कवि कविवांगमय निर्मिति अतएव जयति अर्थात कवि की शक्ति नियत रूपा है नहीं होकर उसकी प्रतिभा के आधीन है जबकि ब्रह्मा की शक्ति नियति के द्वारा नियंत्रित है सुख दुख मोह स्वभाव से पूर्ण है जबकि कवि की जो संसार है वो केवल सुख दुख मोह से रहित है केवल मई है केवल आह्लाद को देने वाली है कवि की प्रतिभा पर ही आधारित है लेकिन अन्य प्रकारों से स्वतंत्र है जबकि ब्रह्मा की जो शक्ति है वो परतंत्र है अर्थात मनुष्य के दृष्ट अदृष्ट कर्मों पर आधारित है ब्रह्मा की ब्रह्मा द्वारा निर्मित संसार नवरस रुचिरा ना होकर केवल षड रस से ही युक्त है और वो सभी षडरस भी मनुष्य मात्र को प्रिय नहीं है लेकिन कवि द्वारा निर्मित संसार नवरस रुचिरा है और सभी ये सभी नवरस सहृदय को मनोहारी लगते हैं रुचिर लगते हैं इसलिए आचार्य मम्मट ने कवि की वाणी भारती की जय जयकार की है इस प्रकार इस मंगलाचरण में हम आचार्य मम्मट द्वारा किए गए मंगलाचरण में कवि की शक्ति को ब्रह्मा की शक्ति की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ मानते हैं कि कवि की शक्ति ब्रह्मा की शक्ति से अधिक है और उनके द्वारा निर्मित संसार श्रेष्ठ है इस प्रकार इस ग्रंथ की प्रथम कारिका में हमने मंगलाचरण का अध्ययन किया मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि इसके संबंध में अगर आपको कोई संदेह नहीं होगा और मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप से सरल रूप से आपको ये समझाने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार कवि की सृष्टि अधिक श्रेष्ठ है और मम्मट ने भी अपने मंगलाचरण में इसे कहा है इसी के साथ ये मंगलाचरण रूप में प्रथम कारिका समाप्त होती है अगले लेक्चर में अगले सीरीज़ में हम काव्य के प्रयोजन और काव्य के हेतु के विषय में बात करेंगे मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि इस लेक्चर में आपको कोई संशय हो तो आप नीचे बॉक्स में अपना कमेंट करके मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं यहाँ अध्यापिका हूँ प्रातः दस से साढ़े पाँच बजे तक रहती हूँ दूरस्थ शिक्षा के विद्यार्थी यहाँ आकर मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं और आप लोग इस काव्य शास्त्र के संबंध में काव्य प्रकाश के संबंध में कोई भी और जानकारी चाहते हो तो मुझसे मिल सकते हैं धन्यवाद जय तु संस्कृतम जय तु भारतम